इसमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाना मत भूलिए। हेलो फूडहॉलिक्स, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट कुल्फी और ये बस मैं सिर्फ 3 चीज़ों से बनाऊंगी। बहुत आसानी से ये कुल्फी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आप चोकोबार खाने के शौकीन हैं तो आप ज़रूर इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो जल्दी से हम ये डिश बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर करीब दूध ले लिया है और ध्यान रखिएगा ये जो दूध है फुल फैट मिल्क है। पूरा जो सबसे महंगा दूध आता है मार्केट में वो आप लीजिए 1.5 लीटर के करीब। और इसको मैं जल्दी से पका रही हूँ। तो 1.5 लीटर का जब आप देख सकते हैं 500 या 600 ml हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपकी कुल्फी के लिए दूध तैयार है, इतना आपको ये दूध पकाना है। तो आपको इसको मीडियम से हल्की सी तेज़ आँच पे, मीडियम से आप तेज़ रखिए आँच, और उस पर आप इसको ऐसे चलाते रहें, पकाते रहें। और आप देख सकते हैं कि आपको लग जाएंगे कुछ 15 मिनट या 15 से 20 मिनट लग जाएंगे कि जब आपका जो पूरा दूध है 1.5 लीटर वो 500 या 600 ml के करीब हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही पकाते रहना है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूध था बिल्कुल 500-600 ml के करीब हो गया है। इसमें मैंने 50 ग्राम के करीब चीनी डाल दी है, तो 50 ग्राम इसमें चीनी है। चीनी डाल के भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब आपका दूध हल्का हल्का गाढ़ा होने लगेगा तो वो हल्का हल्का उसके अंदर पीला कलर आने लगता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूध है वो बिल्कुल 500-600 ml करीब हो गया है और हमारा दूध हमने बहुत ही अच्छे से पकाया है। तो इसमें कुल्फी में बिल्कुल मावा नहीं डालूंगी, इसको सेम सिंपल हम सिर्फ दूध से बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं पीला कलर आ गया है, मैंने इसको हल्का सा ठंडा होने दिया था। उसके बाद मैं इसमें कटे हुए हल्के से बादाम मिला रही हूँ। आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो रहने दीजिए। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट ली है, चॉकलेट पाउडर, कम से कम मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच चॉकलेट पाउडर डाला है और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें बटर मिला दिया है। ये जो ये मैंने हल्का सा जो हमारी कुल्फी का बैटर मैंने तैयार किया था वो मैंने मिला दिया है, तो इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुल्फी का हमने जो कुल्फी का बैटर बनाया था वही मैंने इसमें मिला दिया है, तो मीठा सब कुछ इसमें ठीक होगा। तो आप देख सकते हैं कि बाहर जो चॉकलेटी कवरिंग है वो भी तैयार है। अब मैंने यहाँ पे कुल्फी के मोल्ड ले लिए हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कॉफ़ी मग भी ले सकते हैं। तो मैं कुल्फी के मोल्ड के अंदर जो हमारा बैटर था वो मैं डाल रही हूँ। जल्दी से इसको बंद करके आप साइड में रख दीजिए। एक और मोल्ड ले लिया, इसके अंदर भी मैं जो हमारी कुल्फी का बैटर था वो भी मैंने इसको अच्छे से ऊपर तक भर दिया है। अब इसको भी हम बंद कर रहे हैं अच्छे से। अब हमारा जो कॉफ़ी मग था, तो अगर आपके पास कुल्फी के मोल्ड्स नहीं है तो आप कॉफ़ी मग में भी ऐसे भर सकते हैं। तो मैंने कॉफ़ी मग को भी अच्छे से भर दिया है और इसको आपको बंद अच्छे से प्लास्टिक रैप से ऊपर करना है। चारों तरफ से आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए, या तो प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप फॉइल पेपर जो होता है उसमें भी, उससे भी आप इसको अच्छे से बंद कर सकते हैं। हल्की सी आप रबर बैंड लगा सकते हैं ऐसे। कुल्फी का मोल्ड्स भी तैयार है और कॉफ़ी मग में जो मैंने डाली थी कुल्फी वो भी तैयार है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है और आप इसको रात भर के लिए एटलीस्ट 9 घंटे के लिए इसको रख दीजिए। और जो मैंने चॉकलेट का बनाया था कवरिंग वो भी हमारी तैयार है, इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। हल्की सी गाढ़ी हो गई है तो अब इसको आपको पतला करना है। तो इसके अंदर मैंने कम से कम 50 ग्राम के करीब बटर मिला दिया है। आप इसको बटर को पिघला के इसमें डाल दीजिए। बटर बहुत ज़रूरी है, बटर की वजह से ही जो आपकी कुल्फी के अंदर कवरिंग है वो अच्छी लगेगी चॉकलेट की। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बटर को हल्का सा गर्म करके तैयार के उसके बाद इसमें डालें। और मैंने यहाँ पे हमारी जो कुल्फी थी कॉफ़ी मग वाली वो ले ली है। हल्का सा मैंने एक बर्तन में बर्फ़ ले लिया है ताकि आपकी कुल्फी पिघले नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कुल्फी कितने अच्छे से जम गई है। हल्के से आप नॉर्मल पानी में कप को रख सकते हैं इससे, और चाकू की मदद से आप कुल्फी को बाहर निकाल लीजिए। तो चाकू की मदद से मैं कुल्फी को बाहर निकाल रही हूँ। अब इसके अंदर आप एक स्टिक लगा दीजिए, तो इसको आप ऐसे हाथ से करेंगे तो इससे आपकी जो कुल्फी है आसानी से निकल जाती है। और इसके अंदर आप एक स्टिक लगा लीजिए और चाहे तो आप इसको हल्के से पानी के अंदर रखते हैं ना, जब उससे क्या होता है कि आपकी जो कुल्फी है वो आसानी से निकल जाती है। तो मैंने हल्के से पानी में रख दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी कुल्फी निकल गई है, परफेक्ट जम गई है, बिल्कुल इसमें आइस नहीं जमा है। बहुत टेस्टी मलाईदार कुल्फी तैयार है।
अब इसके ऊपर हमें चॉकलेट कवरिंग लगानी है। तो जैसे मैंने कहा कि बटर बहुत ज़रूरी है चॉकलेट कवरिंग में, तो आप 50 ग्राम के करीब बटर को मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद उसको जो हमने चॉकलेट के पाउडर का और हल्के से कुल्फी का जो बैटर का हमने बनाया था घोल, उसमें मिला दीजिए और आपकी जो कवरिंग है वो अच्छे से तैयार हो जाती है। और आप अब देख सकते हैं कि मैं जो कुल्फी मैंने ली थी उसको मैं चारों तरफ कवरिंग को ऐसे कवर कर रही हूँ चॉकलेट से। और इससे क्या होगा कि बटर जो हमने डाला है उससे जो हमारी चॉकलेट की कवरिंग है वो अच्छे से कुल्फी पे चिपक जाती है और बाद में वो हार्ड हो जाती है, जैसे आप चोकोबार खाते हैं वैसे। और आप देख सकते हैं मैंने आइस पे रख दी है हमारी जो कुल्फी थी, कवरिंग अच्छे से चिपक गई है। उसके बाद मैंने हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी लगा दिए थे। अब हमने कुल्फी का मॉल्ट भी ले लिया है, इसको भी मैंने हल्के से नॉर्मल पानी में डाल दिया था। इसको भी आप हाथ से ऐसे करके निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कुल्फी जम गई है। इसके अंदर हम हल्की सी सीक लगा देंगे या फिर स्टिक, और आप देख सकते हैं ये भी अच्छे से पानी में आप इसको ऐसे हाथ से करके, और आप देख सकते हैं कुल्फी तैयार है। अब कुल्फी के ऊपर हमारा जो चॉकलेट का जो हमने सिरप था वो हम डाल देंगे अच्छे से, चारों तरफ लगा देंगे कवरिंग। और आप देख सकते हैं बटर की वजह से यह अच्छे से चारों तरफ चिपक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और आप ऐसे चारों तरफ इसको चिपका दीजिए। और अगर आपका जो ये चॉकलेट का जो हमने बैटर तैयार किया था ये हल्का सा थिक हो जाता है टाइम के साथ, क्योंकि हम इसको चॉकलेट पे ऐसे कर रहे हैं, तो आप हल्के से तवे पे इसको रख के वापस से पिघला सकते हैं और वापस से आपकी जो कुल्फियाँ हैं उसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुल्फी के ऊपर अच्छे से बैटर लग गया है, चिपक गया है। और इसके ऊपर आप हल्के से ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। पहले हम इसको आइस पे रख देंगे ताकि ये पिघले नहीं, और इसके ऊपर हम हल्के से ड्राई फ्रूट्स लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी ये भी कुल्फी तैयार है। तो आपने देखा कि हमारी कुल्फियाँ कितनी आसानी से चॉकलेट कुल्फी तैयार है। तो बहुत आसान है, आपने देखा चॉकलेट कुल्फी बनाना, चोकोबार कुल्फी बनाना बहुत आसान है, जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए, और मुझे कमेंट बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजी लगी तो प्लीज़ 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 इसको घर पे बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।